हां नल ब्याह करके हीरे मोतियां नल खेडेगी मेरी सोनी थी। मैं थुकनी है हीरे ते मोतियां ते, मैनू शेरे दे गरीब ते कबूल है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? यकीनन ठीक होंगे। आप तो जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे आपको किसी न किसी से, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई किसी शोबे से भी हो, मैं आपको उनसे मिलवाती रहती हूँ। अगर मुलाकात ना हो सके तो उनका गायबाना जिक्र करती हूँ, उनकी बातें करती हूँ, ताकि आपको ये पता हो कि फलां आर्टिस्ट किस नेचर का था, या उसकी कौन सी अच्छी आदत, कौन सी बुरी आदत। और ये भी अब आज के दौर में जो काम बहुत कम हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, तो न्यू जनरेशन को भी शायद नहीं पता चलता कि पहले जो फनकार थे वो बड़े सिंसियर होते थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, टाइमिंग के बड़े पाबंद होते थे। कि उन्होंने अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा जी आपने सुबह 10 बजे आना विद मेकअप विद ड्रेस, तो वो आर्टिस्ट 10 बजे पहुंचते थे, तो प्रॉपर काम होता था, प्रॉपर मूवी बनती थी, पूरा अच्छे तरीके से म्यूजिक बनता था, उस हिसाब से फिर वैसी ही फिल्म अच्छी जाती थी। लोग अपनी फैमिलियों के साथ मूवीज़ देखने आते थे। एक होता सिल्वर जुबली जो 25 हफ्ते फिल्म चलती है, एक होता गोल्डन जुबली जो 50 हफ्ते फिल्म चलती है, एक होती प्लैटिनम जुबली जो 75 हफ्ते फिल्म चलती है। तो मैं इनसे भी आगे की बात कर रही हूँ आपके साथ, जो 200 हफ्ता फिल्म चलती है। तो दोस्तों उस दौर में हमारी एक आर्टिस्ट थी तानी बेगम, जो इस वक्त माशाल्लाह वो अपनी फैमिली के साथ कैनेडा में सेटल है, और अक्सर मेरी उनके साथ व्हाट्सएप पर बात होती है और बड़ी लंबी बात होती है, और सारी बातें, उदासियाँ, पाकिस्तान को याद करना, और सारी उनको एक एक बात याद है। तानी बेगम उनका इसलिए भी मैंने आज ये हवाला दिया कि पिछले दिनों में भी उन्होंने मेरे साथ बहुत लंबी लंबी बातें की और पाकिस्तान को बहुत याद करती हैं। तो बहुत मैंने उनके साथ फिल्में की, मेरी अनोखा दाद सुपर एक तानी बेगम के साथ फिल्म है, और उनके साथ फिर मेरी बागी शेर, फिर उनके साथ मेरी दुबई चलो, सोना ते जवाई, नौकर के मालिक, दिलों के सौदे। मेरा ख्याल है उनके साथ मैंने बहुत काम किया। बाकी मैंने सबिया बेगम के साथ, बहार बेगम के साथ और सीमा बेगम के साथ, सभी के साथ काम किया, लेकिन तानी बेगम के साथ ज़रा इसलिए भी थोड़ा ज़्यादा काम हुआ कि उनके साथ उनके जो रोल होते थे वो बड़े डिफरेंट होते थे। उनके मैं हर फिल्म में होती थी, तो कभी किसी रोल में वो मेरे साथ होती थी कि लालची माँ, कभी किसी वो और गेटअप में जैसे क्वाइफ की माँ, और बड़ी हंसमुख, मतलब उनकी सबसे खूबसूरत बात जो थी वो ये थी कि वो बड़ी हंसमुख थी, बड़ी खुश मिजाज थी, और बहुत ज़्यादा वो मजाक करती थी डायरेक्टरों से भी और प्रोड्यूसरों से भी, खुली तबीयत थी। तो अभी पिछले दिनों में उनसे बातें चलती रही, वो मुझे कहती हैं दुर्दाना मैं मतलब ना बड़ा आप लोगों को मिस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहले मैं काम करती थी, अब मैं अपने कमरे में रूम में होती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैं पिछले दिनों में बीमार भी रही, और मेरी बहुत सारी सर्जरी वगैरह भी हुई। तो लेकिन उदासी, पाकिस्तानी लोग बहुत, आप लोग फिल्म इंडस्ट्री के लोग, ज़ाहिर है वो यादें तो इंसान को भूल नहीं सकती, जैसे हम लोगों को कहीं भी आप ले जाएं, लेकिन जो हमारा पाकिस्तान है, जो हम लोग अपने फिल्म इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों में खुश हैं, या अपने इर्द गिर्द के माहौल से रह के खुश हैं, वो हम कहीं चले भी जाएँ तो हम लोग इतने मेरा ख्याल है खुश नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी एक अपनी दुनिया होती है आर्टिस्टों की, हमारा एक अपना ग्रुप होता है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, तो उसके साथ हम लोग बैठ के बहुत खुश होते हैं, माइंड मिलते हैं, हंसी मजाक चलता रहता है। तानी बेगम के साथ मैंने फिल्में की, उनके साथ मेरे वही वाक़ियात हैं, कुछ ऐसे वाक़ियात हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती, बड़ी हंसी मजाक वाले भी और बड़े अच्छे भी। लेकिन तानी बेगम अच्छी थी, उनकी आदत बहुत अच्छे थे, और बड़ी वो अच्छे मजाक की थी, क्योंकि हमने काफ़ी सारी फिल्में हैदर चोई सर की बहुत फिल्मों में काम किया, और तानी बेगम उनसे भी बहुत मजाक करती रहती थी हमेशा, मतलब उन्हें कहना तो साहब ए नवी कुड़ी आई कितने तानू पसंद तो नहीं आ गई, तुम्हें धड़ा धड़ा फिल्मा च ले गए। तो वो बड़ा हम लोगों ने ना हंसना, बड़ा मजाक करना, इंजॉय करना। तो बहरहाल मैं उनके लिए ये दुआ करूँगी, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, सिर्फ दे, तंदुरुस्ती दे, जब भी वो पाकिस्तान आए इंशाल्लाह तो हम उनसे मिलेंगे, और मैं उनका लाइव इंटरव्यू भी करूँगी, और आपको हम वो छोटे छोटे क्लिप भी दिखाएंगे
जो मैंने उनके साथ बागी शेर में, मैंने मुझे याद है कि मैंने उसमें एक वो रानी का रोल कर रही थी, तो वो बड़ी लालची औरत होती है उसमें, तो वो चाहती है मेरी मुस्तफ़ा कुरैशी से शादी हो, तो मैं सुल्तान अली से प्यार करती हूँ, तो वो मुझे बड़ा मजबूर करती हैं कि जी तुम इसी से शादी करो, तुम नाम की रानी नहीं बनो, तुम सचमुच की रानी बनो, इसके पास इतना पैसा है, इतना जो भी उन्होंने मेरे साथ रोल किए ना, उसमें उनका लालच बहुत फिल्म में मेरी जात के साथ नहीं, तो बाकी ये है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, हमेशा याद रहेगा। और अगर वो अब भी इधर होती तो मेरा ख्याल है अब भी वो काम करती होती, क्योंकि वो बहुत एक्टिव थी, तो माशाल्लाह उन्होंने हर दौर में काम किया, बड़ा अच्छा काम किया। तो बाकी ये है कि कभी पाकिस्तान आएंगी तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको लाइव उनका इंटरव्यू दिखाऊंगी, और इसी तरह जैसे मैंने आपसे वादा किया फिल्म स्टार मुमताज़ पाकिस्तान आएंगी, उनका भी मैं आपको लाइव इंटरव्यू दिखाऊंगी। तो जो जो मेरे बस में है वो तो मैं कर लेती हूँ, और जो मेरे बस से बाहर है फिर मैं उनका जिक्र करके आप लोगों को उनका बारे में सारा कुछ बता देती हूँ। दोस्तों बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, आपकी दुर्गा ना रहेंगे।